हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई एम हिमाली शर्मा फ्रॉम थामा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट मैथ्स मैजिक, क्लास टू, चैप्टर नंबर 13, द लॉन्गेस्ट स्टेप। उसमें हम आज सीख रहे हैं कैट्स फूड, रेट और मिल्क। कैट का कौन सा फूड होता है हम सबको पता है। कैट क्या खाती है? रेट यानी चूहे खाती है और मिल्क दूध पीती है ना? हमारे घर पे आके दूध पी जाती है ना? यस। और चूहे मार के खाती है। तो चलो देखते हैं। यूज योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन रेट एंड द मिल्क। ब्लैंक फिंगर्स। तो हमको क्या करना है पहले कि ये रेट और मिल्क दोनों के बीच कितने फिंगर्स का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो देखना है। ये देखो मेरी तो टू ही फिंगर्स हुई, ये देखो, है ना? लेकिन आपकी ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू। आपकी जितनी आए मेजर करके यहाँ पे लिखना है। हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट? ब्लैंक फिंगर्स। कैट और रैट, कैट रैट से कितनी दूर है? तो देखते हैं, चलो मेजर करते हैं। 4 और 2 यानी मेरी 6 फिंगर्स। लेकिन आपको मेजर करके लिखना है कि आपकी कितनी होगी। 2 to 4 ऐसे मेजर करके यहाँ पे लिखना है। ये आंसर सबके अलग अलग आएंगे, मेरे जैसे ही नहीं आएंगे, तो आपको अपने आप लिखना है। हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क? ये जो कैट है वो मिल्क से कितनी दूर है? मेरी तो 4 ही फिंगर्स है, ये देखो, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 फिंगर्स। आपकी जितनी आए उतनी लिखनी है। वॉट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रेट और द मिल्क? तो अभी हमको पूछ रहे हैं कैट यानी बिल्ली रेट से, रेट के पास जब जल्दी पहुंचेगी या मिल्क के पास या दूध के पास? रेड के पास या मिल्क के पास। तो हमने क्या काउंट किया कि कैट रेड से 6 फिंगर्स है और कैट मिल्क से 4 फिंगर्स दूर है। तो वो कैट सबसे पहले ये मिल्क के पास पहुंच सकती है ना, क्योंकि 2 फिंगर्स ये ज्यादा आगे है। इसलिए देखो, कैन द रेड सेव इटसेल्फ? हाउ? अगर रेट को अपने आप को बचाना है कैट से, तो वो कैसे बचाएगा? तो वो यहाँ से अपने यहाँ से घर में चला जाएगा, हाउस में चला जाएगा। तो वो कितने फिंगर्स का हाउस है? ये देखो तो 4 फिंगर्स का है ना, क्योंकि कैट यहाँ से चूहे तक, रेट तक 6 फिंगर की है और यहाँ से 4 फिंगर्स का है। तो अगर वो देखता है कि वो कैट उसकी तरफ आ रही है, तो वो भाग के घर में चला जाएगा, है ना? यस। टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर। हमको क्या करना है, इसकी स्टोरी बनानी है पिक्चर को देख के। तो हाँ चलो बनाते हैं। एक चूहा था, एक बिल्ली थी। तो चूहा और बिल्ली हर रोज खेलते थे। बिल्ली का नाम क्या था? मिनी। और चूहे का नाम मिकी। तो चूहा है वो बिल्ली को रोज सताता था, गोल गोल घुमाता था। एक दिन चूहा और बिल्ली दोनों की नजर ये बाउल के भरे, दूध से भरे कटोरे से हुई, बाउल से हुई। तो वो चूहा बाउल के पास जाना चाहता था, लेकिन बिल्ली भी बाउल के पास, दूध के भरे बाउल के पास आना चाहती थी। चूहे ने बिल्ली को नहीं देखा है, पर वो जाना दूध पीना चाहता था, लेकिन एकदम उसने बिल्ली को आते देखा। चूहे ने बिल्ली को आते देखा तो चूहा घर में भाग गया, है ना? तो बिल्ली को चूहा नहीं मिला, बिल्ली दूध पीकर खुश हो गई, है ना? ऐसी हम स्टोरी बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज द रेट स्टेल? ब्लैंक फिंगर्स। ये रेट है उसकी कितनी, ये जो टेल है वो कितने फिंगर्स लंबी है?
मेरी थ्री फिंगर्स हो रही है, देखो है ना, 1, 2 एंड 3 फिंगर्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3। आपकी जितनी फिंगर हो उतना लिखना है। हु हैज लॉन्गर विस्कर्स, द रेड और द कैट? किसकी लंबी लंबी मूछे है, कैट की या रेड की? तो देखो यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन रेड छोटू सा होता है, यानी उसकी विस्कर्स भी छोटी होती है, और रेड कैट की बड़ी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैट। तो ये आपको फिंगर काउंट कर करके यहाँ पे ये सारी ब्लैंक्स फिल अप करनी है। ओके, करोगे ना? यस, करना। हाँ, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।